नमस्कार दोस्तों, वीकली विजन न्यूज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राकेश। दोस्तों, इस हफ्ते की पहली बिजनेस न्यूज ओला इलेक्ट्रिक से है। ओला इलेक्ट्रिक ने फेलिकॉन एज और सॉफ्टबैंक के नेतृत्व में $200 मिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई है, जिसके बाद कंपनी की टोटल वैल्यूएशन $3 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इस पर ओला के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा है कि हमें भारत से दुनिया में ईवी क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। भारत के पास पूरी दुनिया के लिए भविष्य की टेक्नोलॉजी का निर्माण करने की प्रतिभा और क्षमता है। वहीं अगली न्यूज मीशो से है। सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने फेडलिटी और बी कैपिटल से $570 मिलियन जुटाए हैं। इससे कंपनी की वैल्यूएशन 4.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। मीशो के फाउंडर और सीईओ विदित आत्रे ने कहा है कि भारत के डिजिटल उपभोक्तावाद में वृद्धि की अगली लहर निसंदेह भारत से आएगी। हमने हमेशा Tier 2+ बाजारों के उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और देश में छोटे आर्थिक क्षेत्रों के उत्थान के लिए सक्षम बनाने के अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया है। नए दौर में हमें सभी के लिए इंटरनेट कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय व्यवसायों में गति जोड़ने के हमारे मिशन को साकार करने के करीब लाता है। वहीं अगली न्यूज पेंडोरा पेपर से है। दुनिया भर की 14 कंपनियों से मिले लगभग 1,20,00,000 दस्तावेजों की पड़ताल से भारत सहित 91 देशों एवं क्षेत्रों के सैकड़ों नेताओं, अरबपतियों, मशहूर हस्तियों, धार्मिक नेताओं और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के गुप्त निवेशों का खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस रिपोर्ट को 117 देशों के 150 मीडिया संस्थानों के 600 पत्रकारों की मदद से तैयार की है। इन मीडिया संस्थानों में BBC, द गार्जियन, द वाशिंगटन पोस्ट, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और भारत का द इंडियन एक्सप्रेस शामिल है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को पेंडोरा पेपर, जिसको भानुमति के पिटारे से निकला दस्तावेज का नाम दिया गया है, क्योंकि इसने दुनिया के प्रभावशाली एवं भ्रष्ट लोगों के छुपाकर रखे गए धन की जानकारी दी है और बताया है कि लोगों द्वारा किस तरह $1,000,000,000 की अवैध संपत्ति को छुपाने के लिए विदेशों में खातों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पेंडोरा पेपर में भारत के सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, विनोद अडानी, नीरा राडिया, सतीश शर्मा, जैकी शराफ, नीरव मोदी और किरण मजदूर जैसे महान हस्तियों समेत 300 अन्य भारतीय लोगों के नाम सामने आए हैं। इस पर आपका क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। वहीं अगली न्यूज लीसियस से है। फ्रेश मांस और सी फूड बेचने वाली टेक स्टार्टअप लीसियस ने IIFL एवं AMC सहित अन्य निवेशकों से $5.2 करोड़ जुटाए हैं और यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वह IIFL AMC के नेतृत्व में $5.2 करोड़ का वित्त जुटाने के साथ भारत की पहली डायरेक्ट टू कंज्यूमर यूनिकॉर्न बन गई है। वहीं अगली न्यूज क्वाइन DCX से है। क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि साझेदारी के माध्यम से क्वाइन DCX क्रिप्टो के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहता है और इसे एक उभरती हुई संपत्ति के रूप में लोकप्रिय बनाना चाहता है। कंपनी ने कहा है कि प्रसिद्ध अभिनेता नए अभियान का चेहरा होंगे। अभियान में क्रिप्टो को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं अगली न्यूज ओला इलेक्ट्रिक से ही है। ओला कंपनी ने जियो स्पोक को एक्वायर कर लिया है। यह कंपनी मुख्य रूप से जियो स्पोशियल से संबंधित सर्विस देती है। जियो स्पोक के ध्रुव और उनका वैज्ञानिक दल ओला से जुड़ेंगे, जो मोबिलिटी को यूनिवर्सल, टिकाऊ, व्यक्तिगत और सुविधाजनक बनाने का काम करेंगे। वहीं अगली न्यूज, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी जरूरत को 80% तक घटा दिया है। इस संदर्भ में लाइसेंस संशोधन नोट जारी कर दिया गया है। संशोधित नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अनुबंध या बाध्यता के क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपए तक की गारंटी देनी होगी, जबकि पुराने नियमों के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपए थी। लाइसेंस संशोधन नोट के अनुसार नए नियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां बैंक गारंटी अदालत के आदेश के कारण दी गई है या कानूनी विवाद के अधीन है।
वहीं अगली न्यूज़ एफडीआई से है। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में चीन जैसे देशों के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। अभी तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में केवल 49% एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति दी गई थी और इससे आगे की किसी भी चीज़ को अनिवार्य रूप से सरकारी मार्ग से गुजरना पड़ता था। वहीं अगली न्यूज इक्विटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कैपिटा से है। इक्विटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कैपिटा ने ईस्ट वेंचर्स और वेलकम कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज ए राउंड में $15 मिलियन प्राप्त किए हैं। इस फंडिंग के जरिए कैपिटा अपने प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट्स को जोड़ेगा जो न केवल निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए बल्कि निवेशकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए भी समाधान प्रदान करेंगे। दोस्तों वहीं अगली न्यूज रिलायंस से है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बीते गुरुवार को ऐलान किया है कि उसकी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड भारत में 7-11 स्टोर लॉन्च करेगी। रिलायंस रिटेल की सब्सिडरी कंपनी ने भारत में अपने स्टोर लॉन्च करने के लिए 7-11 इंक के साथ एक मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि पहला 7-11 स्टोर मुंबई में खोला जाएगा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने आगे बताया है कि 7-11 स्टोर्स का मकसद खरीदारों को बेहतर सुविधा मुहैया कराना है। इसमें रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ स्नैक्स और खाने पीने की सामानों की भी बिक्री की जाएगी। वहीं अगली न्यूज fool.co से है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने IIT कानपुर बेस्ड D2C वेलनेस स्टार्टअप कंपनी fool.co में इन्वेस्ट किया है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अंकित अग्रवाल द्वारा जुलाई 2017 में स्थापित fool.co एक इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनी है जिसका मुख्य ध्यान सर्कुलर इकोनॉमी पर है। कंपनी इस्तेमाल किए जा चुके फूलों से चारकोल फ्री और सुगंधित अगरबत्ती एवं अन्य वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है। प्रौद्योगिकी में गहरे शोध के आधार पर स्टार्टअप ने फ्लेदर का विकास किया है। कंपनी ने फ्लावर साइक्लिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसका विकास किया है। वहीं वीकली न्यूज का अंतिम न्यूज है एयर इंडिया से। केंद्र सरकार की लंबी मशक्कत के बाद सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया आखिरकार बिखरी गई। कर्ज के बोझ तले दबी इस एयरलाइन कंपनी की कमान अब टाटा समूह के हाथों में होगी। टाटा समूह की कंपनी टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर तक डील की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज की तारीख में एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं। इनमें से 8,084 परमानेंट कर्मचारी हैं और 4,001 कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 1,434 कर्मचारी हैं। अगले एक साल तक कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं होगी, मतलब अगले एक साल तक किसी भी कर्मचारी की एयर इंडिया से नौकरी नहीं जाएगी। दोस्तों इस हफ्ते का वीकली न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए बिजनेस अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।